Radio Mirchi 98.3 FM presents. Funny ittefaq hai, because I had said yes to Shaadi Ke Side Effects a long, long time ago. I think in 2010, Dirty Picture Kahani se pehle. And then, you know, they took time putting it together. Finally, I got a call from Pritish in the communications saying Farhan has said yes. And I was like, I couldn't believe it. I love Farhan. I really admire him. So I said, fantastic. And then, when we were talking about dates, realize हुआ कि शादी के बाद की पहली फिल्म जो मेरी होगी वो शादी के साइड इफेक्ट्स होगी और मैं हंस हंस के पागल हो गई. दूसरा इत्तेफाक ये है कि the character is called, Farhan's character is called Sid Roy. Oh! और मैंने कहा कि अच्छा, I want the first draft of the script to know if you've changed it now or it's always been like that. And Saket said nahi yaar, hamesha se Sid Roy raha. But therefore I think I was meant to do it, and I was meant to do it after marriage and shaadi ke side effects. Par maine experience kuch nahi kiya film pe, pehle experience kiya phir shaadi ke side effects experience ho rahe hain, because shaadi ke 2 mahine baad maine shooting shuru kiya. साइड इफेक्ट्स जो हैं दे वेरी इंडिविजुअल. ये आप पे निर्भर है कि आप अगर निभाना चाहते हैं, अगर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो आपको साइड इफेक्ट सारे पॉजिटिवली दिखाई देते हैं. पर अगर आपको वहां से भाग निकलना है तो फिर आप भाग मिल्खा भाग तो फिर आपको सब नेगेटिव ही दिखाई देता है. पर आई थिंक गाइस का एक प्रॉब्लम मैंने अभी फिगर आउट किया है कि शादीशुदा होते हुए वो सिंगल बने रहना चाहते हैं और ये मुमकिन नहीं है. आई थिंक वुमेन जस्ट स्लिप इनटू डिफरेंट रोल्स वेरी इजीली. कभी शादी सही बोल रही है, सही बोल रही है ना. ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड इन द हां 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 हां. आपको लगता है कि मैं समझ नहीं पाई, कल पैदा हुई थी, कुछ और बोलने वाली थी, मैंने कल पैदा हुई थी. शादी के पहले ये था कि genuinely, you know, I'm not going to be able to meet you tonight, baby. I'm going to miss you. और फिर शादी के बाद का होता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ और अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो तुम गुस्सा हो जाओगी. तो मैं कह रहा हूँ कि मैं काम से मुझे ऑफिस में देर हो जाएगी. हाँ, this is शादी के बाद. शादी के पहले का don't worry, you don't have to cope. Actually, you shouldn't worry and you shouldn't cook, because your mother will always be, his mother will always cook better than. No, good for me, I genuinely don't cook. Because my mother-in-law is a fab cook. I'd never be able to match up. I think Saket really had it quite easy. Because I will say this, that jab maine pehli baar script padhi, to laga ki ye ek कंप्लीट स्क्रिप्ट है, यू नो, एंड इट्स सो रिलेटेबल. सारे सिचुएशंस जो आप इस फिल्म में देखेंगे, इधर आप उनमें से गुजर चुके हैं या फिर किसी ना किसी को इनमें से गुजरते हुए आपने देखा है. इन दिस फिल्म आई थिंक बिकॉज इट वॉज सो रिलेटेबल एंड द कैरेक्टर सो रेगुलर, यू नो, रेगुलर अर्बन वर्किंग गर्ल और वर्किंग कपल की स्टोरी है, दो इनकम हाउस होल्ड. तो क्योंकि हम इतनी वाकिफ हैं इस सिचुएशन से, उतने सारे सवाल पैदा नहीं हुए. ऑफ कोर्स आई डिड माय लिटिल बैकग्राउंड स्टोरी, वो सब किया. बट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ फिल्म आल्सो वेयर दैट वाज वेरी रिसर्च करना पड़ा. या या, इट वाज एन इजी फिल्म. इट वाज, और एंड आई एम कमिंग, यू नो, आफ्टर डर्टी पिक्चर एंड कहानी एंड घनचक्कर, सारी फिल्मों में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. यहाँ मेहनत सिर्फ यही था कि यू हैव टू जस्ट बी इजी, व्हिच इज इजी. एंड आई एंजॉयड इट. आई एंजॉयड दोस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस with Farhan in the film. Hi, main hu Vidya Balan on Radio Mirchi 98.3 FM.